फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा। अगर आपने इस मूवी सीरीज की मैड मैक्स फ्यूरी रोड देखी है तो भाई डेफिनेटली आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड होंगे। एंड भाई इस वीडियो में हम इस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई ये मूवी बेसिकली बैक स्टोरी है फ्यूरियोसा की। फ्यूरियोसा को हमने मैड मैक्स मूवी में देखा था, मैड मैक्स में उनका काफी अच्छा रोल था एंड उन्हीं के कैरेक्टर की बैक स्टोरी के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। तो भाई एज यूजुअल इसकी लास्ट मूवी की तरह इस मूवी में भी एक्शन इसका काफी डिफरेंट है। जी हाँ, मैड मैक्स फ्यूरी रोड पॉपुलर हुई थी उसके डिफरेंट एक्शन के कारण। एंड भाई फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा मूवी भी सेम वही एक्शन डिलीवर करती है। एंड भाई इस मूवी में भी आपको काफी अच्छा एंड डिफरेंट एक्शन देखने को मिलने वाला है। बाकी भाई इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि भाई बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट होता है बिल्कुल स्लो तरीके से एंड भाई लास्ट में जाकर बैकग्राउंड म्यूजिक जो पेस पकड़ता है सच्ची में भाई ओसम था। बाकी भाई इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है एंड काफी डिफरेंट भी है। इस मूवी में डेजर्ट्स को काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। हालांकि आप इसको ड्यून मूवी से कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक डिफरेंट मूवी है एंड भाई उस मूवी में डेजर्ट्स को कुछ नेक्स्ट लेवल ही दिखाया गया था। बाकी भी इस मूवी के लिए मैं क्रिस हेम्सवर्थ के कारण एक्साइटेड था। तो भाई उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो भाई उनकी परफॉर्मेंस एज ए नेगेटिव रोल भी काफी सही थी। जी हाँ, एक बार के लिए मुझे लगा कि क्रिस हेम्सवर्थ नेगेटिव रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई मैंने क्रिस हेम्सवर्थ को अभी तक सिर्फ पॉजिटिव रोल में ही देखा है, चाहे वो थोर का कैरेक्टर हो या कोई और। बाकी भी नेगेटिव रोल में भी क्रिस हेम्सवर्थ काफी सही परफॉर्म किए हैं। एंड भाई फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा मूवी एक 18 प्लस मूवी है। हालांकि इस मूवी में कोई अडल्ट सीन नहीं है, लेकिन भाई इस मूवी में वॉयलेंस काफी सारा दिखाया गया है। जी हाँ, इस मूवी में आपको काफी सारा वॉयलेंस दिखने वाला है। मूवी के इंटरवल के बाद जो हैंड वाला सीन था वो तो भाई काफी डिस्टर्बिंग था। इसके अलावा मूवी की एंडिंग में जो ट्री वाला सीन है उसको देखने के बाद तो भाई आप सभी डिस्टर्ब होने वाले हो। जी हाँ, वो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग था। सो दैट्स वाई इस मूवी में वॉयलेंस ज्यादा था, ना कि कोई अडल्ट सीन्स, इसीलिए इस मूवी को 18 प्लस की रेटिंग मिली है। बाकी भाई इस मूवी के एक्शन के बारे में बात करें तो भाई इस मूवी का एक्शन आपको थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना चाहिए। इस मूवी में जो पैराशूट वाला सीन दिखाया गया है उसको भाई काफी अच्छे तरीके से शूट किया गया है। जी हाँ, ऐसे शूट करना लाइक इम्पॉसिबल है। उन्होंने पैराशूट वाले सीन को काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है एंड भाई थिएटर में उसको एक्सपीरियंस करने में नेक्स्ट लेवल मजा आता है। बाकी भाई मूवी थोड़ी सी फनी होने की भी ट्राई करती है, वो सिर्फ क्रिस हेम्सवर्थ के कैरेक्टर के कारण, लेकिन बाकी ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है। एंड भाई मैंने ये मूवी इंग्लिश 2D में देखी है, हिंदी डबिंग के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी भाई मेरी तरफ से आपको ये मूवी रिकमेंडेड रहेगी।